अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मुजफ्फर। उसके लिए हमें चाहिए, देखिए हमने खुश्का लिया है, ये आधी गिलास चावल है, इसे हमने पकाकर निथार लिया है चावल को, और हमने लिया है थोड़ा सा खोपरा, उसे हमने पीसेस में कट कर लिया, और 4 लौंग ली है, और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून घी, 100 ग्राम शक्कर, और हमने लिया है खरबूज तरबूज के बीज, काजू बादाम और पिस्ता, उसे हमने अच्छे से कट कर लिया है और फ्राई कर लिया है घी में। ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे मुजफ्फर बनाने के लिए। देखिए भगोना रख दिए हैं चूल्हे पर, अब हम डालेंगे इसमें घी, अब हम डालेंगे घी गर्म हो गया, अब हम डालेंगे इसमें खोपरा और लवंग लौंग, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये लाइट गोल्डन ब्राउन हुए तक इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब हम डालेंगे 1 ग्लास पानी, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए पानी डाले बाद उबाल आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे शक्कर, इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम डालेंगे इलायची पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से मगजियात, अब हम डालेंगे कलर, 2 पिंच कलर डालेंगे। कलर डाले बाद हाई फ्लेम पे 5 मिनट पका लीजिए। हाई फ्लेम पे 5 मिनट हो गए हैं, अब हम डालेंगे इसमें खुश्का, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हाई फ्लेम पे उबाल आने तक पका लीजिए। देखिए उबाल आ गया है, देखिए उबाल आ गया है और पानी भी अच्छे से जिर गया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। देखिए ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, दम अच्छे से हो गया है। मुजफ्फर डिश आउट करने के लिए रेडी। देखिए मुजफ्फर डिश आउट हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार बना है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे आप छोटे ओकेशन पे बना सकते हैं, मीठे में बहुत ही मज़ेदार है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।